राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद गुरुवार को मुस्लिम पक्ष अपने रुख से पलट गया और ऐसा करने पर माफी मांगी। धवन ने कहा कि वे एएसआई की रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं करना चाहते। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दे रहे धवन ने कहा, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हर पेज पर हस्ताक्षर हो। रिपोर्ट की ऑथरशिप और उसके सारांश पर सवाल खड़े किए जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमने बेंच का समय नष्ट किया हो तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन था। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर अपनी राय आगे रखी। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया कि इस केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है। अगर हमने 4 हफ्ते में फैसला दे दिया तो ये एक तरह का चमत्कार होगा, नहीं तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। न्यूज़